नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। लखनऊ में पीएम मोदी की मेगा रैली की तैयारी, बीजेपी का 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का प्लान। अमेठी में आज राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन, प्रियंका के साथ करेंगे भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ पदयात्रा। अमित शाह की रैली में आरक्षण का ऐलान नहीं होने से संजय निषाद नाराज, सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ खुलासा, इस्लामिक स्टेट में अभी तक भारतीय मूल के 66 लड़ाके हैं शामिल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,145 नए केस दर्ज, ओमिक्रॉन से अब तक 113 लोग संक्रमित। उत्तर कोरिया में 10 दिनों तक हंसने और खुशियां मनाने पर बैन, शराब पी तो होगी उम्र भर की जेल। अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान को लगी कड़ी फटकार, आतंकवाद खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर रहा भारत का पड़ोसी देश। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 900, निफ्टी 260 अंक गिरकर हुआ बंद। विवादों के बीच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने को तैयार भारतीय टीम, 26 दिसंबर को खेला जाएगा पहला टेस्ट। नवंबर का महीना एयरलाइंस के लिए रहा शानदार, पर ओमिक्रॉन के चलते गहरा सकते हैं संकट के बादल। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।